एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एंड बिल्ड लीडर्स इन द कंपनी एंड हाउ टू क्रिएट अ टैलेंट फैक्ट्री। दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो एक टैलेंट फैक्ट्री कैसे बिल्ड किया जाता है और दूसरा लीडर्स को कैसे बिल्ड किया जाता है। पहले मैं टैलेंट फैक्ट्री की बात करूँगा। टैलेंट फैक्ट्री को बिल्ड करने के 8 स्टेजेस हैं। कहते हैं हर कंपनी एक टैलेंट फैक्ट्री हो जाना चाहिए। टैलेंट फैक्ट्री का मतलब है कि कंपनी के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको जैसे जैसे कंपनी नई नई मार्केट में जा सकती है, आपको एक लीडर चाहिए रेडीमेड अवेलेबल है। आपको एक नया रीजन चालू करने का, कंपनी के अंदर रेडीमेड लोग बैठे हुए हैं। आपको एक नया कंट्री चालू करना है, आपको दुबई चालू करना है, यूएई चालू करना है, श्रीलंका चालू करना है, अमेरिका चालू करना है, यूके चालू करना है, आपके पास रेडीमेड आदमी बैठा हुआ। तो पहली बात तो टैलेंट फैक्ट्री इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल उस फ्यूचर का ग्रोथ को चलावे। अब कंपनी अगर एक लोकेशन में है और कल 10 लोकेशन में जाना चाहती है, कंपनी अगर 10 लोकेशन में है और 100 लोकेशन में जाना चाहती है, और कंपनी अगर एक कंट्री में है और 10 कंट्रीज में जाना चाहते हो, तो 10 कंट्री के हेड लगेंगे अपने को। अब ये 10 कंट्री के हेड अगर हम बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर से लेंगे 10 जगह पे 10 कंट्री के लिए 10 हेड हमने ले लिया, तो 10 अलग अलग विचारधारा वाले, 10 अलग अलग कल्चर वाले, 10 अलग अलग फिलॉसफी वाले, 10 अलग अलग स्टाइल वाले अपने कंपनी में जुड़ेंगे, और वो सभी कंट्री में जिस तरह से अपने को एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस जो फॉलो करना है वो हम लोग कभी कर नहीं पाएंगे। देयरफॉर सबसे बढ़िया है 10 कंट्री चालू करना, 10 लीडर चाहिए तो अपने पास कंपनी के अंदर होना चाहिए। 10 लोकेशन चालू करने और अपने को 10 आदमी चाहिए तो अपने पास अंदर होना चाहिए। 10 नए डिपार्टमेंट चालू करने और डिपार्टमेंट के लिए आदमी चाहिए तो अपने अंदर वो आदमी होने चाहिए, और अंदर से अगर चाहिए तो आपको किसी न किसी दिन एक टैलेंट फैक्ट्री बनाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। हमारी मास्टरी इन एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस मी गुरुकुल प्रोग्राम में ये 2 दिन इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन संक्षेप में बता दूं कि टैलेंट फैक्ट्री जो है, द स्मार्ट लॉयल्टी एंड टैलेंट फैक्ट्री बिल्डिंग प्रोसेस में 8 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला सोर्सिंग होता है, फिर एब्जॉर्बिंग होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन होता है, उसके बाद एंगेजमेंट होता है, उसके बाद रिटेंशन होता है। तो सोर्सिंग का मतलब है सबसे बढ़िया आदमी लोग को सोर्स करना, लाना, लाने के बाद उसे अपने कंपनी में एब्जॉर्ब करना, यानी हमारे वैल्यूज़ में उसको अपने कल्चर में एब्जॉर्ब करना। तीसरा, जिस काम के लिए लाए हो उस काम के लिए उसे डेवलप करना। चौथा, फिर उस आदमी को उस काम में डेवलप करने के बाद उसको डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने के बाद उसका परफॉर्मेंस देखते रहना और परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना। उसके बाद उस आदमी को रिवॉर्ड देना, अगर उसने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड और रिकग्नाइज करना। उसके बाद बड़े कामों के लिए उसको एंगेज करना। अभी वो अगर ब्रांच मैनेजर है, कल को उसको रीजनल मैनेजर के लिए उसको तैयार करना, फिर उसको GM के लिए तैयार करना, उसी आदमी को VP के लिए तैयार करना, उसी आदमी को CEO के लिए तैयार करना, और जो लास्ट स्टेज है इट्स नोन एज रिटेंशन। तब आप रिटेन कर पाओगे। रिटेन तब कर पाओगे जब आप एंगेज कर पाओगे। एंगेज कर पाओगे जब आप उसका इवैल्यूएशन करोगे, मतलब उसको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देंगे। वो कब करेंगे? जब आप उसका रिवॉर्ड्स एंड उसका जो काम है उसके ऊपर इवैल्यूएशन करके रिवॉर्ड्स एंड वो कब होगा? जब आपने उसको डिप्लॉय किया। वो कब होगा? जब आपने उसको डेवलप किया। वो कब होगा? जब आपने उसको एब्जॉर्ब किया। वो कब होगा? जब आपने उसको सोर्स किया। तो ये है टैलेंट फैक्ट्री। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हैं हमारे मास्टरी इन एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस गुरुकुल में। हम लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते, 2 दिन पूरा देते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है ये प्रोसेस है।
तो सोर्सिंग का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एब्जॉर्बिंग का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, अपना यू नो एंगेजमेंट का प्रोसेस बनाना पड़ेगा और रिटेंशन का प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जब बन जाता है और इसको बराबर इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपके कंपनी में टैलेंट फैक्ट्री। अब ये टैलेंट फैक्ट्री ऑटोमेटिकली लीडर्स को पैदा करता है। तो लीडर पैदा करने के लिए अपने को ये टैलेंट फैक्ट्री लगता है। हाउ टू बिल्ड ग्रेट लीडर्स इन द कंपनी, वेल जैसे ही आपने लोगों को काम पे लगाया, उसका इवैल्यूएशन किया, तो उसको नए नए चैलेंज भी तो देना है। अब नए चैलेंज के लिए जब उसको आप छोड़ेंगे तब जाके वो लीडर बनता है। लीडर का दूसरा ये है कि जो लोग ज़्यादा करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव है बाय नेचर, वो ही लीडर बन सकते हैं। तो क्रिएट कैसे करना है, वेल ये भी एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। तो लीडरों को बड़े बड़े कामों के लिए लीडर को सोर्स करना, लीडर को एब्जॉर्ब करना, तो आपके कंपनी के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कंटिन्यूसली लोगों को ट्रेन कर रही है और इवेल्यूएट कर रही है कि उनको जो ट्रेनिंग दिया है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, उनमें से जो सबसे ब्राइट लोग हैं उनको चुन के एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में डालना है ताकि उनका उनके अंदर जो कमियां हैं, लीडरशिप का जो स्किल है, अब लीडर्स में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आप उसको बाहर भेजते हो, कोई कोर्स के लिए भेजते हो, या अंदर से उसको डेवलप करते हो। अब लीडरों में सेलिंग स्किल्स होना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स होना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए। तो उसको ऑडियोज दीजिए, वीडियोज दीजिए, मेरे जैसा लीडरशिप के ऊपर सीडी है तो उसको दे दिया, तो एक लीडर कौन है उसके ऊपर बात किया हुआ है, और 50 क्वालिटी एक लीडर का क्या होता है वो। फिर उसको लीडरशिप का किताब दीजिए, जैसे जॉन मैक्सवेल साहब की किताब है 360 डिग्री लीडर्स, जैसे जॉन मैक्सवेल साहब की किताब है 21 इररिफ्यूटेबल लॉस ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की ये किताब दीजिए और किताब की प्रेजेंटेशन करने को बोलिए, और किताब में से क्या सीखा वो बोलने के लिए बोलिए, अब किताब में से आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे वो बोलिए, किताब में से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं वो देखिए, और किस तरह से वो लीडर बन रहा है। इस तरह से टीम बिल्डिंग के ऊपर जॉन मैक्सवेल का बुक है 17 लॉस ऑफ टीम वर्क करके, वो बुक दीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, और उसको ये बताइए कि भाई अभी तेरे को आगे चल के ये बड़े बड़े चैलेंज लेना है तो तुझ में ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए, उन क्वालिटी को बताइए, उसके साथ चर्चा कीजिए, डेडलाइन डालिए कि कब वो ट्रेनिंग करेगा, बाहर जाके ट्रेनिंग करेगा, कब वो सीडी सुनेगा, अंदर से सीडी सुनेगा, कब वो कब इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कब उसका इवैल्यूएशन होगा, कब उसको चैलेंज दिया जाएगा। ये सब का एक प्रोसेस, लीडर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक प्रोसेस होता है, और वो लीडर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपको कंपनी के अंदर डालना पड़ेगा। तो एक टैलेंट फैक्ट्री है जिससे लीडर्स पैदा होते हैं, और एक लीडरशिप फैक्ट्री है जिससे लीडर पैदा होता है। दोनों फैक्ट्री को आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, और आपको वो सब चीज़ें करना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। एक SME से आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर से आप एक मीडियम से आप लार्ज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये सब प्रोसेस को आपको डालना पड़ेगा। ये ही एक तरीका है कि आप लीडरशिप को डेवलप कर सकेंगे और फैक्ट्री करके उसको चला सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।